जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। लुका रचन सुसमाचार 8वें अध्याय का 52 वचन। और सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रोओ मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। यहीर नामक एक व्यक्ति था, वो प्रभु यीशु के बारे में सुन के अपने बेटी की जो बीमार भी थी उनकी चंगाई के लिए उनके पास आया था। तो प्रभु यीशु उनकी बातों को मानकर उस बेटी जहां थी वहां पर आए। उस बेटी मर चुकी थी, वहां के चारों तरफ के लोग उस बेटी के लिए रो पीट रहे थे। जब सारे लोग रो रहे थे उसी वक्त में प्रभु यीशु ने कहा, मत रोओ, क्योंकि अभी वो मरी नहीं है परंतु सोई हुई है। ये बातें सुनकर वहां के चारों तरफ के लोग हंसने लगे। तो प्रभु ने उन सबको बाहर कह दिया, जाने के लिए कह दिया, बाहर जाओ। पत्रस, यूहन्ना, याकूब को अपने साथ में लाए और वहां पर अंदर जाके उस बेटी को हाथ पकड़ के जो मरी हुई थी उसको प्रभु ने जिलाया। इन बातों को देखने के बाद वहां के सारे लोगों के बीच में इतना आश्चर्य हुआ है, अचंभाव के साथ यीशु मसीह को देखने लगे। और यीशु ने उस घर वालों से कहे, बेटी जिंदी है, अभी उनको खाना दो, ऐसे कह के उनको आज्ञा दिया। यीशु मसीह ने इस प्रकार बहुत अद्भुत और चमत्कार किए हैं। शुभ संदेश में जैसे लिखा, यीशु मसीह ने अपने सेवा के दौरान में 3 लोगों को, मरे हुए लोगों को उन्होंने जिलाया। सबसे पहले में एक बेटी जो मर चुकी थी और उसको प्रभु ने जिलाया। और नयीन गांव का एक विधवा की माँ मर के वहां पर दफनाने के लिए कब्रिस्तान में जा रहे थे, उस वक्त में प्रभु ने उनको जिलाया। और मर के 4 दिन हो गया लाजर जो बदबू आ चुका था उसको परमेश्वर अद्भुत रीति से उनको जिलाया। इस प्रकार परमेश्वर ने अद्भुत और चमत्कार किया है। जहां असंभव है, जहां कोई मुमकिन नहीं है, वहां परमेश्वर ने अद्भुत और चमत्कार किया है। जी हाँ, वही जो चमत्कार करने वाला प्रभु यीशु मसीह आज आपके बीच में उपस्थित हुआ है। शायद आपके जीवन की सारी बातों में बंद हो चुकी है या आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। जहां असंभव है, जीवन कहां सूख गया है, जीवन में कोई आज भी सभी बातें रुकावट है, लेकिन परमेश्वर आज कहता उसको बदल के आपका जीवन में फिर से उसको नया जीवन बनाने के लिए प्रभु के पास ताकत है। उस पर विश्वास रखें, परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करेगा। हालेलुया, हालेलुया।